अगर खुशी में तुझे गुनगुनाने लगते हैं तो सभी आके हमें चुप कराने लगते हैं कि जो भी चीज कोरोना से बचा सकती हो ये लोग उसकी ही कीमत बढ़ाने लगते हैं। बहुत सी बातों की समझ नहीं आ रही। लो फिर आ रहे हैं वासु चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सर आज तो जो आप लग रहे हैं ना, अच्छा जी वो हाँ पहले कभी नहीं लगे। पहले कभी मैं तुम प्यारा लगा ही नहीं लगे, लेकिन वो कह रहे हैं इतने प्यारे नहीं लगे। अच्छा अच्छा, ये बटन बंद किया होता ना होर प्यारे लगना सी नहीं, नहीं मैं करना फिर नजर लग जाती क्यों जी, ज्यादा भी प्यारा नहीं लगना। सियासतदान भी लग रहे हैं। बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, बिहार भी गए तो नाम तो होगा। मगर ये तो बकायदा वाले आज लग रहे हैं, वो ऐसे जो जीत कर आए हुए और जिनको नहीं मिल रहा चीफ मिनिस्टर। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जी। चौ साहब ने तो टारजम से पर्चा कराता। क्यों क्यों? कहते छोटे कपड़े पा के जंगलों च फिरता। अच्छा, वासे जैसे जो लोग होते हैं ना, वो अपनी वाइफ से कहते रहते हैं, पापा से कह के मुझे किस्तों पे गाड़ी ले दो। वासे महीने मौलवी साहब को मार खा ली। क्यों? उन्होंने कह रहे ऐर की इतने बसंत का ऐलान करना जी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एमपी है, पंजाब असेंबली के अंदर साथ साथ मेंबर स्टैंडिंग कमेटी है ऑन लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड माइंस एंड मिनरल्स, जनाब मलिक नदीम अब्बास बारा। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एक्टर और सिंगर भी मोहतरमा आमना राही। वेलकम टू द शो सर, बड़ा ही इंतजार था और आज बिलाखिर आप आ ही गए और एक बड़ा ही खूबसूरत मैं शेर लाया हूँ जी आमना जी के लिए। ख्वाबों से बढ़कर प्यारी लेंस और लाइट की दुनिया, ख्वाबों से भी बढ़कर प्यारी लेंस और लाइट की दुनिया, एक क्लोजअप और हजारों लाखों करोड़ों फैन। वाह वाह वाह। हम बेचैन बहुत थे जब तक आप ना आई थी, आपसे आंखें चार हुई तो आया दिल को चैन। केड़े वक्तों च पा दिता जे भाजी, केड़े वक्तों च पा दिता जे भाजी, हुकूमत नू ही दिलों ला दिता जे भाजी, पेट्रोल 7 रुपए सस्ता करके कट्ठा 25 रुपए वधा दिता जे भाजी। हमें तो हर कोई सितमगर दिखाई देता है, एक एक से बढ़कर दिखाई देता है, और हर बात पे वादा करके कैसर फिर यू टर्न क्यों लेता है। नदीम साहब क्या हाल चाल है? खैर खैरियत से हैं सर? शो देखा हुआ आपने? हाँ जी देखते हैं जी, आपका शो कैसा लगता है? आपका जो तरीकाकार है वो तो मुझे बड़ा मजे का लगता है, जब आप सीरियस हो के जब मजाक हो रहे होते हैं और आप ऐसे महसूस करा रहे होते हैं जैसे आपने किसी को कुछ कहा ही नहीं, हालांकि आप ही हर एक को छेड़ते हैं, हर एक उस पंगे में लेके जाते हैं जहां वो थोड़ा सा ना इख्तलाफ पैदा हो या चीजें सामने। अच्छा, मजे की बात है, आप बिल्कुल ऐसे बैठे होते हैं जैसे आपको पता ही कुछ नहीं, आपको तो वैसे ही बात कर सर बस देख ले, वो मेरे लिए वो मोमेंट होता है जब मैं अपने आपको बेजदार महसूस कर रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है, ऐसे ही कोई बात करिएगा, मेरा दिल जा रहा है आज।
जाकर आज जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर शो है, मेरी पूरी फैमिली देखती है, मेरे बाबा जान ही देखते हैं और हम पूरी फैमिली रात में जब चाय पी रहे होते हैं, स्पेशली मेरी मामा इसके रिपीट शोज देखती है। जब सारे फैमिली बैठ के चाय पी रहे होती हैं तब आप लोग मुज़ाकरा देखते हैं सर, मामा कभी साथ में कोई मीठे रस ट्राई किए हैं? बेशक ट्राई किए हैं। और मामा इन्हें भला रिपीट क्यों वेखते ने, क्यों चाह बना गए होंगे ना बात ही उनका, वो ओरिजिनल देखती है, रिपीट भी देखती है, रिपीट में भी देखते हैं। हाँ जी अच्छा, मामा पूरी रात देखते नहीं तो क्या रिपीट में क्यों, पहली बार में समझ नहीं आता क्या किया ये हमारे साथ? आप देखें जी, इंटरनेशनल मंडी में 112% पेट्रोल जो है वो ऊपर गया है। हाँ। तो जाहिर है फिर उसी लिहाज से हम सर आप लोग क्या आवाम के लिए थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते को हमें थोड़ा अर्सा और कुछ पहले देखे, हमने फौरी जो रिलीफ है वो आवाम को तो फौरी रिलीफ फौरी वापस ले लिया, लेकिन वो आप देखें इंटरनेशनल मंडी के साथ चलना पड़ता है और पूरी आप इंडिया में देख ले 180 रुपए लीटर है पाकिस्तानी हिसाब से, तो यहाँ तो फिर इंडिया की तरफ और मामलात में भी देखें। नहीं एक मिसाल दी है मैंने, बाकी पेट्रोल यूरोप में देख ले, बाकी चीजें और मुल्क भी देख ले, पेट्रोल महंगा है यहाँ से। इंडिया वाले नूं कहिए तो तेल इत्थों पवा के चले जाया करो मेरे ख्याल में आपको उधर भेज देना चाहिए, उनके पास आप जैसा खूबसूरत मेरे ख्याल में कॉमेडियन नहीं है। थैंक यू सर, ए गल कि दो तीन दफा कर दो जरा इन्हों तो पता लगे। आपने इनकी फिल्में कोई इनका ड्रामे वगैरह देखे हैं? जी बिल्कुल देखे। कौन से बताएं मुझे? मैं एक्चुअली शोज ज्यादा देखती हूँ, फैमिली के साथ जब फ्री हो गई कभी चली गई घर तो मैं इनकी फिल्में भी फैमिली वाली हैं। माशाल्लाह से वो लेजेंड है भाई, वो हर जगह नजर आ रहे होते हैं, इतनी अच्छी कॉमेडी कर रहे होते। यूके जब गए थे वहाँ इन्होंने जो वो मैं कहता हूँ कमाल किया, ये ठाकर साहब भी थे ये भी थे। अच्छा ये जब यूके गए थे, हाँ आपको इनके यूके वाले हिसाब किताब का ही पता है? वो असल में वो तो किसी और चक्कर में गए हुए हैं, वो तो भगोड़े हैं, लेकिन ये जो है ना ये तो लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए गए थे। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा। आपने इनकी वो फिल्म देखी हुई है? जी जी कमाल है जनाब, है ना। हाँ जी, वो आपको इनका मशहूर डायलॉग भी याद होगा। कौन सा? वो जो उसके अंदर क्या डायलॉग था आपका सर, वो और ठाकर साहब जैसे वो कांटूट बने होते थे वो गोल्डन कलर सारा करके स्टैचू बन के वो बहुत मजेदार। सर अगर वो गेटअप ना भी करें फिर भी कार्टून लग रहा है। भाई वैसे आप अपना कार्टून चेक कराएं, वो स्टैचू था जिसको आपने कार्टून कर दिया। आपको मुझे बताएं एक्टिंग का शौक तो है और आप कर भी रही हैं, फिल्मों में काम करने का शौक है? बिल्कुल है। एक्शन हो, रोमांटिक हो, वो क्या कहते हैं हॉरर हो, क्या जो मेरी फैमिली देख सके पूरी बैठ के, जो पाकिस्तान की आवाम देख। आपकी फैमिली तो मुज़ाकरा देख रही है सर। नहीं वो तो कौन सी बताए ना मुझे, कौन सा जॉनरा, कौन सा आपको पसंद है? साफ सुथरी कह रहे हैं। साफ सुथरी आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भैया ये बताएं कि आजकल कैसा चल रहा है आपका काम? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਪੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਤਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਬਤਾਈਏ ਕੌਨ ਸੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਵਾਲੀ? ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰੋ ਵੈਪਰ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਤਾਏ ਨਾ ਕੌਨ ਸੀ ਜੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਮੇ ਆਪਨੇ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕੌਨ ਸੀ ਦੇਖੀ ਥੀ? ਉਹ ਤੋ ਮੁਰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ। ਨਹੀਂ 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 ਮੈਨੇ ਲੋਡ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਥੀ। अच्छा उससे को फिल्म देखने दिल ही नहीं किया है। आप देखते हैं फिल्में वगैरह? नहीं ज्यादा नहीं करते। ड्रामा फिल्म कुछ नहीं, इनसे कुछ लगाव नहीं है। कोई लगाव नहीं तो कभी कोई गलती से घर वाले देख रहे हो? नहीं आजकल उर्तगुल जो है ना वो देख रहे हैं। वो तो आजकल खैर आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है ना। ऊपर से होमवर्क मिला हुआ है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप चेक करके देख लें कि जब से खान साहब ने कहा है ना कि आप उर्तगुल ड्रामा देखें, हाँ तो आप रिकॉर्ड निकाल के देख ले, पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने देखा। नहीं नहीं ये तो बिल्कुल एक देखे और किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर फॉलो करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और मानते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर आपको इस तरह एंडोर्स करेगा किसी चीज़ को तो आप यकीनी तौर पर आपका एक इन्फ्लुएंस उस तरफ हो जाता है, जो कि मैंने भी देखा हुआ है। आप कौन से सीजन पे हैं? मैं इस वक्त दूसरा जो मेरा खत्म होने पे है। अच्छा दूसरा सीजन पे है तो एंजॉय कर रहे हैं आप उसके अंदर? नहीं जी देख के बहुत मजा आता है, बाकी पिछली जो मुसलमान
जो तारीख है पूरी उसको उसका पता चलता है और उससे सबसे बेहतर चीज यही है कि हक पे जब खड़े सबसे ज्यादा कैरेक्टर आपको कौन सा पसंद है? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का ही तो चल दूसरा सीजन ज्यादा देखना तुसी क्योंकि पता नहीं ताड़ा दूसरा सीजन आना कि हमारा दूसरा भी आएगा तीसरा भी आएगा दूसरा सीजन आएगा ना तुमको ऐसी बात है तो मुझे बताया कि आपको पुर्तगाल सबसे ज्यादा कैरेक्टर पसंद आया। पुर्तगाल कौन लगता है आपको? वैसे बारा साहब अपनी इतनी बड़ी पंजाब असेंबली है कौन लगता है आपको आप सब में से कौन सा कोई ऐसा इंसान है जिसके पुर्तगाल वाली खसूसियात? इमरान खान साहब है। नहीं पंजाब असेंबली में बताएं। पंजाब असेंबली में हाँ उस्मान बुज़दार साहब। वैसे उस्मान बुज़दार साहब को राइडिंग आती है? सर उस्मान बुज़दार साहब आप समझते हैं कि वो बोलते कम है लेकिन वो काम करते हैं कारकर्दगी दिखाते हैं। पुर्तगाल भी कम बोलता है ना जिस तरह बड़ा पॉइंट पे बोलता है जो सही बोलता है। उनका टारगेट जो होता है ना वो हमेशा जो मिशन होता है कि ये काम हमने करके दिखाना है ये हमने आवाम को रिलीफ देना है हमने आवाम के लिए ये काम करना है वो कर वैसे बुज़दार साहब देख रहे हो ये तो नहीं से पूछा जा सकता है मगर पता तो कराएं वैसे चले पूछ लेंगे उन्हें दी गड्डी वेख लो जे उन्हें वागां पाईयां होईयां घोड़े वालियां तो फिर उन्हें वेख दे बुज़दार साहब को वैसे ही हॉर्स राइडिंग आती होगी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा देहात के रहने वाले हैं देहात के रहने वाले हैं तो घूम सकते हैं बुज़दार साहब पुर्तगाल जदों वेदे टीवी लाके पट्ठे भी रखे होंगे पता नहीं कदों घोड़े नूं भुख लग जाए नहीं मगर वैसे आपने सही कहा कि हो सकता है उनको राइडिंग आती हो वैसे वैसे अगर बुज़दार साहब आपको पुर्तगाल लगते हैं तो तुर्गत और बामसी कौन लगते हैं? मैं अपने आप को मैं समझता मैं उनका साथी हूँ हर जगह पे साथी। अच्छा आप अपने आप को मैं बिल्कुल उनका साथी हूँ। तुर्गत के लिए आना चाहते हैं सामने? मैं उनका साथी हूँ हर जगह पे साथी। चले आप तो तुर्गत हो गए क्योंकि मेरे मेरे बामसी बताएं किसको रखना है आप बताएं दूसरा बंदा ही बता दे फिर कोई ऐसा निडर नौजवान जो कि बामसी की तरह लड़ने के लिए घुस जाता है ऐसे जिन्हें बताएं खुद ही बता सकते हैं जाहिर है उनके लिए कोई दूसरा कौन है। आपने देखे बीबी पुर्तगाल तीन है तुर्गत बामसी दुगान। हाँ तो आप बताएं आपको कौन सा लगता है बामसी कौन लग रहा है पंजाब असेंबली के अंदर? खैर मैं ज्यादा से चौहान को बना दे बामसी तुर्गत तो उन्होंने ले लिया है ठीक है सबसे गुड लुकिंग आदमी जो है वो मैं हूँ अब रह गए बामसी तो बामसी कौन हो जो कि बगैर सोचे समझे लड़ाई में कूद जाता है वो तो फैजल हसन चौहान वाली क्वालिटीज हैं ये। मैं बिल्कुल इस बात का जवाब फैजल हसन चौहान साहब वैसे वो बाबर जो है जिस जो तो दो तलवारें पकड़ता है वही बामसी वही है सर हाँ। वो जो दो तलवारों वाला जो है मैं समझता वो चौहान साहब वही है। मामा तेरिया दुआवां काम आ गईयां ने कहंदी है भी हुण किथे मैं क्या वजारत ते खजाना में जाना है सवेरे मामा कहंदी ओ ना साफ करन जाई क्यों वो पहले ही कोई साफ कर गया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आपने आपकी फिल्म जो आ रही है उसके बारे में बताएं। एक्चुअली फिल्म्स मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मेरा स्टार्ट था एक्चुअली आई एम अ सिंगर। अच्छा मैंने समद खुसर सर की मूवी में गाना किया है एक इट्स अ सिचुएशनल सॉन्ग तो शुरू में मुझे लगा कि भाई सिंगिंग अभी मुश्किल है तो मुझे एक्टिंग की तरफ जाना है। कुछ कमर्शियल्स करने के बाद ड्रामा करने के बाद मुझे ऑफर हुई हमारे परवेज़ कलीम सर जो हैं डायरेक्टर पंजाबी फिल्म्स के उन्होंने मुझे कहा कि ये स्क्रिप्ट है और हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसी लड़की जिसका एक्सेंट जो है वो पंजाबी में ऐसा हो कि वो ओल्ड ना लगे जैसे कि वो इंडिया के फिल्म्स होते हैं जैसे वो सिखों के फिल्म्स होते हैं कुछ इस तरह का एक्सेंट चाह रहे थे वो लोग। मैंने उनको ऑडिशन दिया और मेरा काफ़ी अच्छा ऑडिशन हुआ मैं पंजाबी वैसे बहुत अच्छे से इसमें बोला और फिर हमारा शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुआ। फिल्म की जो स्टोरी है ट्रायंगल लव स्टोरी है और कॉमेडी भी है उसके अंदर और बहुत अच्छी म्यूजिक स्टोरी। इसमें मैंने भी दो गाने गाए। अच्छा आपने भी उसमें दो गाने गाए हैं इसीलिए तो लेट हो रही है इन लोगों के गाने। ओ माय गॉड मतलब हम लोग हर रोज सुन रहे होते हैं शूटिंग पे ना गाड़ी में हमने लगाए होते हैं जितने भी गाने हैं बहुत अच्छे गाने हैं बहुत फील के साथ। आप खुद भी सिंगिंग का शौक रखती हैं? जी रखती हूँ। तो आपको कौन पसंद है सिंगिंग में? सर मैं जरा थोड़ी मलंग टाइप सिंगर हूँ मुझे नूरा सिस्टर्स अच्छे लगते हैं आबिदा परवीन जी कुरतनैन ब्रोच इस तरह के सिंगर्स मतलब जो स्पिरिचुअली कनेक्शन होता है मेरा म्यूजिक के साथ वो। अच्छा सर आपको है कोई गाने सुनने का शौक कभी कोई गलती से सुन लियो? नहीं इतना शौक ही नहीं बिल्कुल शौक। तो जब वो बचता है जब आएगा इमरान तो क्या करते हैं आप कान बंद कर वो तो फिर वो तो तराने हैं ना वो तो फिर जोश गा के ही तराना सुनाया जा रहा होता है ना सर जोश आ जाता सुन के ना तो कई बार गड्डी का गियर पुटता सुनते सुनते जब वो सुनते थे ना तो फिर एक दिल में
आता था कि हमने कुछ करना है और हमने इमरान खान का बाजू बन के कुछ करना है, मुल्क के लिए कुछ करना है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेहनत की है तो अल्लाह ताला ने सिला दिया। मेहनत नजर आ रही है नदीम भाई, माशाल्लाह 25 रुपए लीटर मेहनत नजर आ रही है। 40 रुपए पहले नीचे भी लाए हैं, वो भी याद रखें। चलो इसका मकसद 40 ऊपर जाएगा, वो भी बताए ना। हमने पहले फौरन हमने आवाम को रिलीफ दिया है, तो उसके बाद अगर इंटरनेशनल मंडी में रेट ऊपर गया तो फिर जाहिर है ऊपर तो जाना। लेकिन नदीम भाई वो परेशान है अवाम इस वक्त, तो इस वक्त तो साथ देना चाहिए ना, रिलीफ तो अब देना चाहिए। असल अवाम की परेशानी जो अरसा 30-40 साल से मुल्क के साथ जो जुल्म हुआ है और मुल्क से जिस तरह दौलत लूटी गई है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो आगे काम करने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह काम। मैं तो गन में ना ना देखे होंगे, मैं तुम्हें तो जवाब जरूर देना सी। नहीं कभी। अच्छा जी, मैं आप। अच्छा आप ही फिर मुकम्मल यार ये गनमैन सनमैन नहीं होता कल मैं रखता ही नहीं जनाब, ऐसी जरूरत ही नहीं हमें। पीटीआई वाले गनमैन और प्रोटोकॉल में यकीन नहीं रखते। एरिया जाके देखो तुम्हें पता लगे भाई। क्या मतलब क्या असर बताएं, क्लियर करें। देखिए बड़ा आपका गलत इमेज पोर्ट्रे हो रहा है, आप प्लीज क्लियर करके जाएं इसको। ये पता नहीं आप कौन सा इमेज निकाल रहे हैं, मुझे तो आप बताएं कौन सा इमेज आपका। दलेर आदमी, दलेर जाहिर है सियासत में दलेर आदमी का ही काम है, दूसरे बंदे का क्या काम। नहीं मगर बताएं आपके अगर इलाके में है तो आप कैसे आप फिरते हैं वहाँ पे। वहाँ मेरी गाड़ी है या मेरे साथ मेरा एक भतीजा है या कोई भाई है, जो भी हो साथ गाड़ी चलाता है, बस निकल बस वो आप लोग होते हैं, कोई गनमैन शनमैन साथ नहीं होता, कोई प्रोटोकॉल साथ नहीं होता, कोई नहीं है ये देखो। और अभी भी सख्त हालात में मैंने हर रोज मगरब के बाद अपने डेरे पे बैठता हूँ, रात जितनी देर लोग आते हैं मैं बैठा होता हूँ। अच्छा। और सुबह भी हम बैठ जाते हैं, कोई लोग आए हम मिलते हैं, काम कर रहे हैं लोगों की खिदमत। वैसे ये बताएं आप वोट डालती हैं? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। एक्चुअली मेरी सोच बहुत मुख्तलिफ है। क्या सोचा आप? मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक है, हम सब एक हैं, ठीक है ये सब चीज़ें होती हैं कि पॉलिटिशियंस होते हैं एक दूसरे को जो है वो आप इसमें कर रहे होते हैं जो भी चीज़ें। मुझे ये लगता है कि हम सबको फोकस करना चाहिए यूनिटी पे, पीस पे। मेरा ये माइंड सेट है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन पर्सनली मुझे इमरान खान सर अच्छे लगते हैं। नहीं मगर अगर आप वोट नहीं डालती या अगर आपकी तरह की सोच सब रखते तो इमरान खान कैसे बनते प्राइम मिनिस्टर? फिर तो फिर नून लीग ही चलती रहती। नहीं नहीं इस बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मगर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि नहीं, मगर मैं आपके स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर कह रहा हूँ कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर चेंज कैसे होगा बंदा या सिस्टम या व्हाटएवर। नहीं फिलहाल मुझे जरूरत नहीं पड़ी, आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने फिल्म की है लव स्टोरी फिल्म है वो, हाँ जी, उसमें आपको हीरो से मोहब्बत हो जाती है, हीरो को आपसे मोहब्बत हो जाती है, वो तो फिल्म है, वैसे कभी किसी से मोहब्बत हुई? हाँ जी हुई। अच्छा जी, माफ़ी चाहना फिर मैं। ऐसा जिंदगी में एक आइडियल होता है ना कि जिंदगी में ऐसा शख्स हो मेरी जिंदगी में जिसके साथ मेरी सेफ जिंदगी गुजरेगी, तो कैसा शख्स सोचा आपने एहसास प्रोग्राम के मुताबिक? खैर मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया इस मामले में, ये प्लान नहीं होता। ये एक बार जो है वो मैं सीख चुकी हूँ बहुत कुछ, तो अब मैं कहती हूँ जो अल्लाह पाक की मर्जी बस ठीक है, अच्छा हो बंदा हो बंदे का पुत्र हो दैट्स इनफ। कैसा अच्छा कैसा हो पता तो चले ना। फाइनेंशियली तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी पे भी कोई काम नहीं करता। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो मैं मतलब गैर शादीशुदा ठीक हूं। आपको कोई समझ नहीं सकता तो है, क्या समझने में क्या कोई आप बताइए किस किस्म के मसाइल हैं? मतलब अब दौर ऐसा चल रहा है कि लोगों में पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो यानी कि एक चीज तो पेशेंस हो इंसान के लिए ज्यादा जो है वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, और शादी के बाद तो मोस्टली जो तलाकें हो जाती हैं भाई बहुत कॉमन इशू है, और इस वजह से मैं शादी से भागती भी हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी को देखती हूँ किसी की डाइवोर्स हो रही है या उनकी लड़ाई हो रही है तो मैं तो डर जाती हूँ, मैं कहती हूँ रह नहीं दो। तुसी किसे अच्छे इलाके से जाके देखो नहीं डाइवोर्स होंगे।
Jumbo. How are you? You know, I am very happy today. How come? I'm going to be a rich very soon. Eddie, what do you job? Mili. कुछ भी नहीं क्या बात है यू नो अजकल थंडर स्टॉर्म दा वेदर चल रहा है yes. ते नेरियां होंदियां ने ना yes. द बिग बिल्डिंग्स प्लाजे उन्हां दे शीशे मिट्टी हो जांदे ने फेड हो जांदे ने ओदी सफाई करनी है डेढ़ दिन च मैं सारी असेंबली साफ कीती है Yes, फिर मैंने वफाकी पार्लियामेंट का भी ठेका मिलिया uh-huh. तो मैं तिना दिन पूरी उडा के रख दी अच्छा तो के इंज लगता है जिम्मे अज बनी वो फिर मैंने उन्होंने खुश होके वजारत खजाना का भी ठेका दिता है बाकी wow. फिर मैं मामा ने दसा मैं मामा तेरिया दुआवां कम आ गई ने कहती भी हूं कि मैं वजारत खजाना मैं जाना है सवेरे मामा कहती वो ना साफ कर जाई क्यों वो पहले ही कोई साफ कर गया मैं समझ नहीं आ रही कि उतो कोई जेरे मैं पहले कमाए ने ना नुकसान हो जाए पहले बिल उन्होंने हले दिते नहीं मैं ते लिफ्ट लैके ते लाहौर आया इस्लामाबाद तो हूँ मैं वापस कोच ते जाना है तो मैं ना थोड़े जे पैसे दरकार ने बिल मिल जाएगा ना मैं तुम नवा सूट लैके देंगा जराबा का जोरा जूती मैं तुम नवी मेरे पास पैसे वापस जाना जदों आएगा इमरान जो चेहरे तो लग रहे ने पीटीआई दे चेहरे की खुशी दस रही है अखा की रोशनी दस रही है पीटीआई दे देखो जरा बंदा जुकूमत च होवे ना ओदे चेहरे की शाइनिंग ही और होंगी देखो नून लीग आले आंदे ने ना मुरझाए होंगे ने बट पैसे बड़े देंदे ने बच्चे जल्दी होंगे ने पैसे मैं भी बड़े देंगा पर एक नोट ते इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद इमरान खान वजन नहीं पाना चाहता नदीम भाई कह रहा मैं की कह बैठा गिटार दे सानू ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਟਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਰ ਅੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅੱਗੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇ ਆਵੇ ਨਾ नदीम आबाद साहब यार सारे गाने में सुने वेलकम बैक टू मुज़ाकरात अगर आपको कहें कि आप हमें कुछ सुनाएं कोई गाना वगैरह किसका गाना सुनाएंगे नूरा सिस्टर का एक गाना है बहुत अच्छा एक एक पल लगे सदियां दे वरगा जींदा है शरीर पर दिल जावे मरदा कोई मिले ना कोई मिले ना कोई मिले ना सहारा इस जिंद नू है रब ने भी मुंह मोड़िया गल ठीक नहीं well done. Ready one, two, three, four. ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤੱਕ 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 ਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਤਾ ਚਸ਼ਮ ਲੋਗ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਇਹ ਕਬ ਹੋਆ ਮੈਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਡੈਂਗੀ ਆ ਗਿਆ ਡੈਂਗੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਯਾ ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਾ ਰਸ਼ ਏਡਾ ਰਸ਼ ਏਡਾ ਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਮ ਲੱਭਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ 2 ਪਪੀਤੇ ਲੈ ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਬਣੇਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕੁੱਟਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਹਿਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ ਗੁਲਹਿਰੀ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੈ ਗੁਲਹਿਰੀ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੁਲਹਿਰੀ ਮੈਂ ਨਿਕਰ ਪਾਈ ਬਨੈਨ ਪਾਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਟਾਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਈ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ PTI ਅਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਬਈ ਜਿਵੇਂ PTI ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜ ਕੇ ਹਾਫ ਗਏ ਨੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਬੁਕਲਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਰਰਿਲੀਵੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੌਤਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਵੱਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਉਹ ਮਾਲ ਚਾਲ ਨਦੀਮ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬਾ ਲੱਗਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਈਜਨ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਵੇ ਚਕਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਕਮਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੀਆਂ ਚਾਨੂੰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਸਰ 5 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਕਾ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਗੋ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਆਪਕੋ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਓ ਇਨਕਾ ਗਾਉਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5-6 ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹਮਨੇ ਨਿਕਾਲਾ ਹੈ ਅਭੀ ਤੱਕ ਸਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਕਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਹੀ
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। मैं थोड़ा सा इससे पहले जो नाम आप पहले लेंगे मैं उसको एग्री कर जाऊंगा। बस ठीक है, क्योंकि आप सबको फंसाते हैं, हमें मुश्किल में डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यही समझूंगा कि जो जिसका नाम आप पहले लेंगे ठीक है, मेरी तरफ से वही है। जबरदस्त लें जी, सब बात याद रखे, मैंने कहा है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा, आपका कसूर होगा। बिल्कुल, नदीम साहब ने कहा उनका कोई कसूर नहीं होगा, जो नाम पहले आएगा वो ले देंगे, उन्होंने तरकीब लड़ा ली हुई है। बारा साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट है, एक आपकी अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास है मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ। आपसे पहले कहा था जो पहले नाम लेंगे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को लाइफ जैकेट दी जाएगी, क्या बात है। ये सर बारा साहब ये बताइए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, दो वीआईपी पास आपके पास है, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब उस्मान बुज़दार। मुझे ये बताएं वहाँ हीरो के साथ ये थे, किसी का नाम ऐसे किसी का लें जो टाइटैनिक में हो। ठीक है, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ किसको लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर अपने साथ आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब फयाजुल हसन चौहान। तो पहले नाम किसका है? जाहिर है अगर इंजॉय करना है तो फिर चौहान साहब को ही साथ ले जाना। नहीं, मगर आपने तो कहा था पहले नाम किसका है। थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तो आपने नाम ही ऐसा लिया, फिर उससे बेहतर है कि चले बातें तो करते रहेंगे ना आराम से बैठे। किससे बेहतर है? चौहान साहब साथ होंगे, चलो बातें शाते करते तो अब आपकी वो पॉलिसी खत्म होगी पहले नाम वाली। वो ले ले, यू टर्न ले ले। यू टर्न ले लिया। आप होंगे टाइटैनिक पर इनके साथ। सर ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, दो सीटें हैं, बारा साहब एक आपकी अपनी, दूसरी सीट पर आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं चांद पर, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है, किसको चांद पर लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी और डॉक्टर आमिर लियाकत। फवाद चौधरी को ले जाना चाहिए। फवाद चौधरी को चांद पर लेके जाना चाहते हैं ये। ठीक है, ये बताइए सर फिर मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ेगी, किसकी देखना चाहेंगे वो तस्वीर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और मौलाना फजलुर रहमान। माहिरा खान ही ठीक है। माहिरा खान ही ठीक है, क्या बात है, वाह वाह साहब। नहीं जी आमना आपकी बारी, आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रही है, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद हो, एक कॉल बोरियत किल करने के लिए आप किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब कॉल करना। ठीक है, ये बताइए एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि आपका फ्लोर आ गया है, किसको क्या कहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, महविश हयात और माहिरा खान। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? माहिरा खान। स्माइल किनको देंगी? सबा कमर। और किनको कहेंगी कि आपका फ्लोर आ गया है? महविश हयात को। महविश हयात आपको कहा जाएगा। ये बताइए चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप भी हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको साथ लेके जाएंगी वो चांद पर ही रह जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा, किसको चांद पर लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं परवेज कलीम और जनाब शान। शान। शान साहब आपको चांद पर लेके जाना चाहती हैं, आप वहीं पर रहेंगे। ये बताइए टाइटैनिक पर जाने का वक्त, दो वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान, मुराद सईद और फवाद चौधरी। फवाद चौधरी। कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं, मैंने बस आपका आंसर दे दिया। फवाद चौधरी नाम ले दिया बस उन्होंने, आप ऐवें ही उनको चांद पर भेज रहे हैं, वो टाइटैनिक पर जा रहे हैं। ये बताइए फिर डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपके अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब आरिफ अलवी। आरिफ अलवी। कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं। आरिफ अलवी साहब का आपने इंतखाब किया है, आरिफ अलवी साहब का इंतखाब किया। बारा साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, आमना आप भी अपना ख्याल रखिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। सर आ जाएं फिर।